हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 अक्टूबर 1993 को एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था एक ही रास्ता। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की मुख्य भूमिका में नज़र आए थे अजय देवगन और रवीना टंडन। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना ताकि लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों अब चलते हैं इस फिल्म की फर्स्ट शूटिंग लोकेशन की तरफ। दोस्तों आप सबने फिल्म के अंदर एक इस प्रकार का सीन देखा होगा जो मैंने आप सबको स्क्रीन पे दिखा रखा है। जी हाँ दोस्तों, इस सीन की शूटिंग लोकेशन की बात करें तो यह सीन तमिलनाडु के हिल स्टेशन पर शूट किया गया था। आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं फिल्म के सेकंड शूटिंग लोकेशन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आप सबने फिल्म में यह वाला सीन देखा होगा जहाँ पे सभी कमांडो को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस सीन की शूटिंग लोकेशन की बात करें तो यह सीन मद्रास रेजिमेंट उदम मंडल उटिक तमिलनाडु भारत में फिल्म के इस सीन को फिल्माया गया था। आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं फिल्म की थर्ड शूटिंग लोकेशन की तरफ। दोस्तों आप सबने फिल्म के अंदर एक सीन इस प्रकार से देखा होगा जो मैंने आप सबको स्क्रीन पे दिखा रखा है। और दोस्तों फिल्म के इस सीन की शूटिंग लोकेशन की बात करें तो यह सीन कोडेकनाल झरना उटिक तमिलनाडु भारत पे शूट किया गया था। आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं फिल्म की लास्ट और फोर्थ शूटिंग लोकेशन की तरफ। दोस्तों आप सबने फिल्म के अंदर एक सीन इस प्रकार से देखा होगा जहां पे कुछ गुंडे रवीना टंडन को एक वैन में बिठाकर लेके जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सीन की शूटिंग लोकेशन की बात करें तो यह सीन कुन्नूर की घाटी तमिलनाडु में शूट किया गया था। आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर लीजिए। दोस्तों आपको इस वीडियो में कौन सी शूटिंग लोकेशन ज़्यादा पसंद आई एवं आप उस शूटिंग लोकेशन पे घूमना चाहते हैं तो हमें अभी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लेना ताकि आपके लिए नई और पुरानी फिल्मों की शूटिंग लोकेशन मैं जल्द से जल्द पहुँचाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।